कहना चाहूंगा अक्षय कुमार एंड जैकलिन, मतलब उनका केमिस्ट्री में मुझे इतना दम नहीं लगा, बट भोकाल का नया बाप अक्षय कुमार एज इन बच्चन पांडे, नाम है फराज सामजी। आ गए अभी थोड़ा सुधर गए। बॉक्स ऑफिस खिलाड़ी अक्षय कुमार आ गए एज बच्चन पांडे और हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बॉलीवुड प्रेमी और पास में तो एकदम बच्चन पांडे स्टाइल में गॉगल पहन के आए हैं। शुरुआत करेंगे फर्स्ट इडियट गोलू से। बच्चन पांडे कैसी लगी? भोकल तो अभी भी मचा हुआ है, उनके नाम का भय देखो कैसे चल रहा है। भोकल का भय इतना छाया हुआ है कि होली कलर छोड़ के पिक्चर देखने आए हैं। बहुत मजा आया देखने के लिए पिक्चर। स्टार डम बोलते ना अक्षय डम है यहाँ पे। पूरा अकियंस का बोलते ना पूरा लाइन लगा हुआ है। अभी देखिए फुल है, सुबह का भी फुल था, सेकंड शो था वो भी फुल था, अभी थर्ड शो के लिए गर्मी है। बहुत मजा आया देखने के लिए। खास करके वो बोलते हैं उसमें का पिक्चर में एक बहुत अच्छा ये था कि बोलते अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो एक्टिंग इनसे ही सीखनी पड़ेगी। स्पेशल अपेयरेंस पंकज त्रिपाठी सर, बहुत 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 ज़बरदस्त। उनको ऐसा गुरु बोलो टीचर बोलो किस में भी डाल दो, सरल इंसान है, जिसमें डालोगे उसमें बह जाते हो। बहुत मज़ेदार। पर एक चीज़ से बोलना चाहूँगा, पिक्चर फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है, थोड़ा बोर टाइप लगा। और यस फर्स्ट हाफ स्लो है लेकिन सेकंड हाफ में जो पिक्चर पिकअप लेता है बहुत अच्छा पिकअप लेता है और पूरा पिक्चर सेकंड हाफ में ही पूरा खा डालता है। क्या बात, बहुत मजा आया देखने के बाद। फर्स्ट वीडियो को अच्छा लगा होगा, सेकंड वीडियो विघ्नेश के पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू वन एंड ऑल। हैप्पी होली सभी को। होली से याद आया, हमेशा ऐसा होता है होली के दिन ओपनिंग आती ही नहीं है कौन से भी पिक्चर की, बट अक्षय कुमार की मूवी के लिए इतनी ओपनिंग, फर्स्ट शो में भी 70% ऑक्यूपाइड थी, 70-75%, मतलब ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी पिक्चर की हम बात करें तो अक्षय कुमार को मैं यूँ ही ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी खिलाड़ी, मतलब कि उनका धड़ाधड़ रिलीज करते रहते हैं। दूसरे हीरो जहाँ सोचते हैं कि ये फिल्म करे या ये नहीं, ये अक्षय कुमार तो धड़ाधड़, मतलब कि ये हुआ शूटिंग हुआ कि हो गया बस। सो पिक्चर की अगर बात करें तो मुझे भी लाजवाब लगी। फर्स्ट हाफ अच्छी लगी, या मेरे दोस्त को फर्स्ट हाफ खराब लगी लेकिन मुझे फर्स्ट हाफ अच्छी लगी क्योंकि उसमें सब कुछ था, कॉमेडी भी थी एंड एक्शन भी था अक्षय कुमार का एंड मतलब कि हर्षद वर्सी और कृति सेनन वो जो भी बोलते हैं घोड़े लगी, वो वाला सीन मुझे बहुत मतलब कि एंगेजिंग लगा। तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं सकता। सबसे बड़ा चीज़ तो पंकज त्रिपाठी सर ने मतलब सोने पे सुहागे डाल दिया, मतलब क्या मतलब कि क्या लाजवाब काम किया। लेकिन सेकेंड हाफ मुझे थोड़ा सा डर लगा लेकिन क्लाइमैक्स इट वॉज वेरी इमोशनल। एक बच्चन पांडे यस, और मैं क्या बोलूँ इसके अलावा संजय मिश्रा उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि कास्टिंग तो ज़बरदस्त है लेकिन इट्स आउट एंड ओनली अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के अक्षय कुमार बोल रहे हैं मुंबई के सेकंड हीटर आऊंगा थर्ड के पास में। यस सर। समृद्ध आप भी एज बच्चन पांडे बन के आए हो, सिर्फ वो बंडाना बाकी है। भोकाल का नया बाप अक्षय कुमार एज इन बच्चन पांडे, नाम है फराज सामजी। आ गए अभी थोड़ा सुधर गए। सुधर गए चलो अभी मैं तो इतना बोलूँगा कि ये तेलुगु साउथ का रीमेक है ये, क्या वो उनका फिल्म वो क्या कुछ अलग ही नाम है, जैसे नाम है नहीं वाल्मीकि नहीं, वो अलग ही एक नाम है उनका, जिगर ठंडा उनका वो रीमेक है फिल्म। लेकिन जिस तरह से एक पोर्ट्रे किया अक्षय कुमार ने, माइंड ब्लोइंग। जब 2019 में फिल्म आई थी केसरी, होली के टाइम पे रिलीज़ हुई थी, एक दिन पहले सॉरी मतलब वही दिन से पहले मतलब रिलीज़ हुई थी, जब वही ओपनिंग लगी थी और आज भी वही भीड़ पैंडेमिक के टाइम पे देखना बहुत बड़ी बात है। और बच्चन पांडे को देखना है तो भाई बात ही ख़त्म, होली पे गोली मिल गई सबको। लेकिन नहीं सच बताओ तो मुझे पर्सनली मुझे फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। फराज सामजी ने जो बोला, दो साल से हम लोग उनको जब गाली दे रहे थे, जब सुना रहे थे कि फराज सामजी को डायरेक्शन नहीं आता बोलता ना उसका ईगो हर्ट होने की वजह से पिक्चर अच्छी बनाई हुई नहीं, पिक्चर अच्छी बना दी नहीं क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स है जो एक मास मसाला एंटरटेनर जो हम लोग चाहते हैं ना, वो ओवर ड्रामेटिक नहीं लगी फिल्म मुझे, एक पर्सनली एक टोटल मास एंटरटेनर लगी। मतलब डायलॉग्स हो,
उसका एक्शन हो, उसका कॉमेडी हो, उसका डायलॉग पंची, उसका डायलॉग टाइमिंग और इवन कास्ट, इट्स टोटली टेरिफिक। क्योंकि जब हम लोग जब सलमान खान की फिल्म देखते हैं या कौन सी भी अदर एक्ट्रेस की फिल्म देखते हैं तो ओवर हो जाता है, बहुत ओवर हो जाता है। सॉरी मैं ऐसे जेन्युइनली नाम ले रहा हूँ, बहुत ओवर हो जाता है। लेकिन इसमें एकदम ट्रैक पे गई फिल्म, ट्रैक चेंज नहीं हुई। आऊंगा फर्स्ट इडियट गोलू भाई के पास में, कृति सनन को दो शब्दों में क्या बोलोगे? ये पिक्चर को देखते हुए तो एक ही सीन कहूंगा, कौन कहता है प्यार एक बार होता है, अगर अच्छी मिली तो दो बार होता है। क्या बात है। नहीं, इसमें बहुत अच्छा दिखाया कि ऐसे एक्टर जो स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए भी एक पिक्चर स्टडी टाइप होगा, क्योंकि जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है वो बोलते हैं आप इमेजिन कीजिए। या मैंने बहुत से देखे, लोग किससे सीखते नहीं, खुद ऑब्जर्वेशन इतना पावर रखते कि वो देख के कैच कर लेते, लेकिन जिन्हें एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, उसमें उनके लिए बहुत अच्छा एक लेसन भी दिया है, बहुत अच्छा। अरे वो तो भाई फेमस था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा था। जैसे एक डायलॉग में बोलती है, अरे हमेशा सेकंड एक्टर ही खाता है मेन लीड एक्टर को, इसका प्रेजेंटेशन देते उसका प्रेजेंटेशन, और फिर बोलते हैं अरे मुन्ना भाई में सर्किट भी तो था। अरे हाँ भाई, बहुत अच्छा था वो। आपको कैसे लगे कृति और अर्शद? हाँ, उनका काम तो अच्छा ही था, बट मैं कहना चाहूँगा अक्षय कुमार एंड जैकलिन, मतलब उनका केमिस्ट्री में मुझे इतना दम नहीं लगा, बट बिकॉज एट सीन मुझे ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार बहुत ही बड़े लग रहे थे, बहुत फास्ट फादर फिगर लग रहे थे मुझे तो, जैकलिन के पापा लग रहे थे। हाँ, एक्चुअली कुछ कुछ सीन में, बुरा मत लगाना जितने भी अक्षय फैंस हैं, मैं भी अक्षय कुमार का डायर फैन हूँ। मैं 2010 से हाउसफुल से लेके मतलब की सारी फिल्में मैं थिएटर में ही देखा हूँ, एंड ऐसा टाइम था लोग बोल रहे थे अक्षय कुमार कुछ काम का नहीं, लेकिन तब भी मैं अक्षय कुमार को सपोर्ट करता था। नहीं भाई, मुझे अक्षय कुमार की पहली पिक्चर मतलब कि जो भी पिक्चर आती है, चाहे वो खिलाड़ी 786 हो, स्पेशल 26 हो, मैंने जोकर भी देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आपको तो पता ही है मूवी कैसा है, अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट या आई सपोर्ट अक्षय कुमार, आई सपोर्ट सलमान, मैं एंटायर जोड़ी जमी नहीं है, जमी नहीं है, वो ही सबसे बड़ी बात है। कृति बिगेस्ट फैन समृद्ध के पास में कैसी लगी कृति ऑन स्क्रीन और अर्शद? अरे अरे उनके एंट्री पे साला ऐसा लगा दिल तोड़ के उनके हाथ में दे दू यार। ओह माय गॉड, दिल निकाल, अरे निकाल के मतलब, अरे उनकी जब वो एंट्री देखी ना, गाड़ी ऊपर से जा रही है और नीचे वो कैमरा लेके वो शॉट ले रही है, ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रही है, ऑडियंस का मालूम नहीं। नहीं 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 नहीं, लेकिन एक सच बताओ ना, सच बताओ कृति, पर्सनली आई लव यू। ओह माय गॉड, नहीं पर्सनली, नहीं होली पे दिन पे, क्योंकि मुझे पर्सनली ये अक्षय कुमार तो है ही, वो सब लोग पूरी दुनिया अक्षय कुमार को देखे, लेकिन मैं पर्सनली कृति को वो ज़्यादा देख रहा था, क्योंकि उनके स्क्रीन प्रेजेंस उनके ज़्यादा थे। और क्योंकि अभी बॉलीवुड का टाइम देखो, अभी जब 2012 में आई थी फिल्म राउडी राठौड़, उसके बाद मास एंटरटेनर के 10 साल बाद आज बच्चन पांडे में एंट्री लेना मास एंटरटेनर पे, अरे अक्षय कुमार की एंट्री पूछने वाला था मैं, कैसे लेके? अरे इट्स एन आइकॉनिक एंट्री यार, मतलब जो गाड़ी से जैसे उतरते उसको स्लो मोशन शॉट लिया, उसके बाद जो आग निकल, माय गॉड, एकदम इतना रियलिस्टिक लगा, वैसे मुझे लगा ही नहीं कि ये सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन इन्होंने जो बात कहा कि जो साइड रोल मतलब एक सपोर्टिंग रोल पे इन लोगों को पसंद आया, मुझे थोड़ा ढीला लगा। अभी जब बॉलीवुड के टाइम में हम लोग देखेंगे ना, तो संजू मूवी देखो, मुन्ना भाई MBBS देखो, अब जो एक बोलता है बॉलीवुड का वो जो चलता आ रहा है कि सपोर्टिंग कास्ट को बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो सर्किट जो अर्शद वारसी जो चाहिए थे वो नहीं होगा, लेकिन उनकी एंट्री पे मैं खुद तालियां बजाया अर्शद वारसी के, क्योंकि जो वो एक फॉग वाला एक इफेक्ट दिया और जो एंट्री दिखाई, इट्स माइंड ब्लोइंग। अब फरहत, और पहली बार नहीं, क्योंकि फरहत सामजी ने बराबर लिखा है एक फिल्म को, एक अच्छे अच्छे कास्ट को कैसे कैसे दिखाना है, एक अच्छी तरह से सीखा हुआ है, थैंक्स टू साजिद नाडियाडवाला। चलिए आपके बड़े सवाल पे, यस सर, फर्स्ट इयर को पूछूंगा, पिक्चर बच्चन पांडे चलेगी या नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस पे? देखो तो ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस की बात है, अभी ऑडियंस देखो बहुत प्यार करते हैं अक्षय पाजी को, और बहुत से लोग पर्सनली भी प्यार करते हैं, उसमें से हमारे एक ये हैं और भी हमारे एक हैं, संडे तो चलेगी मंडे के बाद उसके बाद का प्रिडिक्शन, यस यस, उसके बाद का प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि बोल नहीं सकते, आज फ्राइडे पड़ा, होली है तो भी लोग आए, सैटरडे संडे तो ऑलमोस्ट चलती ही है पिक्चर, मंडे से ओरिजिनल रिजल्ट निकलना चालू होगा, वो फ्राइडे तक मिल जाएगा। ओके, कुछ बता नहीं सकते, कह रहे फर्स्ट इडियट सेकंड इडियट को पूछूंगा, जिन्होंने कहा था नहीं चलेगी बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस, मुश्किल है क्योंकि नयापन कुछ नहीं था, एक तो रीमेक ही थे, लेकिन लाजवाब था पिक्चर, लेकिन कश्मीर फाइल्स आज जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है तो थोड़ा मुश्किल है,
भले ही साजिद नाडियाडवाला और अक्षय कुमार की ये 10th कोलैबोरेशन है बट क्लाइमैक्स मुझे ज़बरदस्त लगा, इमोशनल लगा। वो पॉइंट पे मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि वो मुझे बॉक्स ऑफिस खिलाड़ी मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगी, टू बी वेरी फ्रैंक क्योंकि जब एक हिस्ट्री में ऐसी दूसरी बार हुआ है आफ्टर गदर, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं कि इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म इज गदर, उसके बाद ये फिल्म आती है द कश्मीर फाइल्स, मंडे ट्यूसडे वेनसडे लिटरली 20 करोड़ के ऊपर छोड़ा ही नहीं है उन्होंने, तो सोच सकते हो कि बच्चन पांडे का हाल बेकार होने वाला है। लेकिन चलो ठीक है, ये फर्स्ट वीक में कलेक्शन अच्छा आएगा, अच्छा खासा आएगा, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट कवर कर चुके होगी क्योंकि सैटेलाइट राइट डिजिटल राइट्स लिए होंगे, तो वो बात की बात है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के सबसे मेन खिलाड़ी है ना, विवेक अग्निहोत्री ने बाजी मार दी है, सच बताऊं ने कहा है कि नहीं पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, दोनों बाकी सेकंड और थर्ड ने कहा है कि नहीं चलेगी। पहले आपको प्रिडिक्शन लगा कि जज देना कोई मेन बात है नहीं, क्योंकि देखो क्या है ना, एक हफ्ता है उनके पास में, कश्मीर फाइल्स पहले से चल रही है, लेकिन अभी भी इनके पास एक हफ्ता है अपना प्रॉफिट कवर करने का। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो आ रही है वो हिस्टोरिक फिल्म आर आर आर, तो उसका हाइप इससे कुछ ज़्यादा है, आप सभी को मालूम है। मैं लास्ट बोलूँगा आई एम सो सॉरी बट मैं लास्ट कहना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल्स को 600 से अभी 4000 स्क्रीन्स दिया और इनको ऑलमोस्ट 1800 स्क्रीन्स दिया ऑलमोस्ट, तो मुझे थोड़ा डर है इस बात के, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पूछेंगे फर्स्ट वीडियो मुंबई से आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे बच्चन पांडे को? 4 स्टार दे दिए, माय गॉड बहुत अच्छी लगी है। सेकंड को पूछेंगे आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 3 स्टार दे दिए। ओके ओके एंड समृद्ध, यस सर स्टार देंगे आउट ऑफ 5? 4 out of 5 4 दे दिया है, क्या बात है 4 एंड 3.5। दिस वाज अ सुपर ऑनेस्ट रिएक्शन फ्रॉम मुंबई के 3 इडियट्स। यस सर, आपको फिल्म देखनी है तो पहले रिव्यू देखिए और फिर डिसाइड करिए जानी है नहीं जानी। यस, और सबको हम लोग की तरफ से, ऑल सब्सक्राइबर की तरफ से विश मैनी हैप्पी होली, आप सब लोग एक अच्छी सेफ होली कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।